हेलो जी, सत श्री अकाल जी। क्लेयर फैमिली ब्लॉग में जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। होर सुनाओ जी, की हाल चाल ने? मैं ठीक हाँ जी। उम्मीद है अज तुसी भी ठीक होवोगे, खुश होवोगे, खुशहाल होवोगे। दिन हैगा जी अज शनिवार, दिन शनिवार है। तो तरीक अज 31 मार्च हो गया। तो कहिंदे ने सवेर के 8 बजे का टाइम आ। तो बाकी अपनी एक्सरसाइज वगैरह वो शुरू मतलब खत्म कर ली। मैं बहुत वधिया फील हुंदा एक्सरसाइज करके, काम नूं भी मन करदा। जिस दिन तो मैं तुसी देखदे होवोगे पिछले काफ़ी ब्लॉग दे विच मैं इन्नी मेरे विच फुरती नहीं सीगी, मतलब कि मैं उहदा मतलब वीडियो तो बना रही सी पर उन्नी वधिया नहीं बन रही सी। तुसी खुद देखिया होगा, तुसी भी महसूस किया होगा भी ब्लॉग किस तरह दे आ रहे सीगे। मतलब जिस दिन तो एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू की जा, विटामिन ई दे जिहड़े कैप्सूल खा रही हां, मैं अपने फेस नूं लैके खा रही हां, मतलब बहुत ज़्यादा फुर्ती आँदी हर एक दिन। मतलब हर रोज़ मैं कोई ना कोई काम जिहड़ा करती हाँ, मतलब मन लगता इस तरह फुर्ती जिहड़ी चुस्ती है वो आ रही है मैनू, है ना, बहुत वधिया लगता। चलो जी अज दे दिन की आपां करदे आ शुरुआत। तो हुण आपां पहलां किचन च चलते हैं, फिर देखते हैं अज किहड़े किहड़े काम करते हैं। तो बहुत वधिया लगता एक्सरसाइज करके, है ना। रस्सी टप्पा धोण लई कढ़ियां जैकेटां, मैं कि एक बार पानी कढ दूं, इक दो दो बार पाइया होईयां ने, फिर रखांगे पलमारियां दे विच इन्हां नूं सैट करके। तो बाहर दा तुहानूं दिखाउने, बुरा हाल ही, हवा चल रही है पूरी तेज, देर भी ने डिगे ने, हुण तां जल्दी जल्दी खत्म हो जाण क्योंकि मौसम ना इस तरह दा। देखो किन्ने सोहणे बदल ने, ठंडी ठंडी हवा, बदल नीचे पतझड़ हो रही है क्योंकि आ निम ने जिहड़े पतझड़ दा मौसम दा। देखो वैसे आह देखो ए सुके पत्ते ने जिहड़े, ना ही ये डिगदे ने ना ही निम अगे फुट रहे हैगा। तो अपने आ देखो गड्डियां नाल, हजे बाहर की सफाई भी नहीं हो रही क्योंकि कितने है ही नहीं झाड़ू लाने। उधर पिंदर लग्या होया गड्डी साफ करन। हैलो पिंदर। हैलो पिंदर लग गया सवेरे सवेरे, देखदा सुन बेर दिखाई सुन बेर। आ देखो इधर पत्ते पुत्ते किन्ने डिग रहे ने। आ देखो बेर, आ देखो सारे टोकरे च पा लिया है ना, जा कर किसी के काम आ जाएंगे। साफ ही नहीं वैसे तो यह थले डिगे हुए ने। आ देखो हम थोड़े रह गए, फिर भी काफी ने है ना। लो जी हुण पहला बनाऊंगी नाश्ता, उस तो बाद कम करांगे आपां, देखदे अज किहड़ा कम छेड़ना। वैसे सोचा होया मन दे विच मैं अज की कम करना, ते इत्थे बस कद्दू मेरा कट्टिया होया सीगा, आपां जिहड़ा मसाला ही तैयार करना सीगा। ते बस प्याज लसन भी छिल्लिया होया सीगा, शाम नूं कल मैं छिल के रखता सीगा। ते देखो मेरे ना बाल शायद लंबे हो गए क्योंकि मैनू अपने आप नूं भी पता लगता गा, बाकी तुसीं भी दस्सिओ है ना। बाल मेरे मैनू काफ़ी लंबे लगते हैं क्योंकि जिहड़ा चौलां वाले मतलब चौलां दा पानी हुंदा ना, चौलों 2 घंटे जां ओवरनाइट भिओ दो सुबह, उहदे विच कोई भी शैंपू है जिहड़ा मिक्स करो तुसीं, जो भी तुसीं शैंपू वरतदे हो, तो उहदे नाल फिर अपने बाल तो वो कहिंदे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ जिहड़ी वधदी आ। मैनू खुद भी हुण अहसास हुंदा, वैसे शायद पहला भी एक वीडियो दे विच मैं दस्सिया सीगा, मतलब वो शेयर भी कीते तुहाडे नाल मैं, जिवें मतलब कि उन्होंने भिओंगे है ना पानी जिहड़ा हुंदा चौलों का, उहदे विच आपां शैंपू मिक्स करदे हो, वीडियो मैं शेयर किया होयागा। तो इधर सब्जी रखती सी मसाला, जानी कि उस तो बाद लग गई सी आटा गुनना, क्योंकि जोड़े लम्मे बाल होंगे ना बहुत सोहने लगते हैं, लम्मे बाल जो गुत्त लम्मी लम्मी होंगी है ना। लेडीज़ तो देखो गुत्त नाल दुपट्टा इस तरह उसी नाल ही सलवार सूट ही, देखो वैसे पाने कुछ मर्जी पा लीए पर ज़्यादा सलवार सूट ही सोहना लगता है ना, जिन्ना सलवार सूट जचता उन्ना कुछ भी नहीं जचता, चाहे शौक वजू आप कुछ भी पा लीए है ना। तो मैं आपको एहसास होया, मैं चलो थोनू भी पूछते भी मेरे बाल बदे ने भी थोनू कुछ फर्क लगता गा। तो बाकी गुत्त मैं हुण तां कर लैनी हुई क्योंकि मैनू ना हुण सर्वाइकल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही पई हैगी, जूड़ा कर दी तो फिर काफ़ी सिर दे विच भी दर्द हुंदा गा, नाड़ा होके ना मतलब खून खड़न करके फिर मैनू काफ़ी जूड़ा करन दे विच दिक्कत आउंदी है, तां करके हुण मैं गुत्ते कर दिंदी हाँ। तो चलो जी हुण इत्थे सब्जी भी रखती सी कि आटा भी आपां गुन्न लिया, जो भी बर्तन सीगे वह साफ करते, हुण बस मैं बैठ के अपना पीऊँगी पानी। पानी पीने तो बाद आपां चलदे हां पेटियां वाले रूम च, अज आपां बच्चों वाले रूम जिहड़ी अलमारी हैगी ना उहदी सफाई करदे हां क्योंकि पिंदर ने तुहानूं दिखाऊंगी मैं बहुत ज़्यादा खलारा पाया होया, बहुत ज़्यादा शायद तुहानूं दिखाया पता ही ना मैं वीडियो, तो अज उह संवारदे आ, देखदे हुण किन्ना टाइम लगदा गा। वैसे विच दी पहलां खाणा भी बनाऊंगी,
क्योंकि बस इतने जिन्ने टाइम से सब्जी बनूंगी उन्ना टाइम जिन्ने का कपड़े होने उन्ने का मैं बाहर कट दूंगी सारे। वैसे बाहर ही कटे सके हजे तय तू जिन्ने की सही सी तय, वैसे काफ़ी कपड़े तय सही भी सी। बाकी पता पिंदर पता की होंगे उन्होंने टी शर्ट वगैरह हो या लोअर हो उन्हें पा के देखनी है, नहीं पसंद नहीं वधिया लगी उन्होंने तो उन्हें इस तरह कट्ठे करके अलमारी के रख देने ने, यही हाल होंगे गा। तो करके कपड़े थोड़े दिन बाद ही बहुत ज़्यादा खिलार दिता बिच पूरे। लो जी इन्ने कपड़े निकले, मतलब कि वह उन्होंने धोन वाले ने गए तो कुछ किधर सोफे पर पे ने, क्योंकि जो भी मैंने लगे थोड़े बहुत हल्के मिले जी वो कड़ते सके, क्योंकि इस तरह मन नहीं मनता है ना भी रख दिए। तो सारे कपड़े फिलहाल अपन अलमारी है जी करती खाली, तो हूँ देखते दे पहला चंगी तरह साफ करके कुछ बिछावे, देखते दे मेरे कोई वॉलपेपर होया तो मैं वह लगाऊंगी बच्चे, फिर कपड़े रखूंगे। स्टोरेज बैग भी मैं मंगवाए हुए ने गे, फिर देख दूँ एक दिन थोड़े न अलग तो वीडियो शेयर करूँगी भी किस तरह रखूँगी। तो चलो जी हूँ इनू देख दें पहला समेट दें, पहला खाना खाने उस तो बाद इन समेटूंगी सारा साफ करके। आ अलमारी च भी पूरा ही गाह पिया होया, सिर्फ आह वाला ही जोड़ी वी दो पल्ले ने, इधर ही सैटिंग आ गई इधर वाली तो पूरी आप एवं फलारा जहा पिया पिया। खाना आप खा लिया तो आह आप कर लिया गुलाब जामुन गर्म, देखो बिल्कुल ये गर्म हो चुकी है, देखो। चलो जी इन्हों खाने क्योंकि फिर ये काफ़ी दिन हो गए जी इन्हों, पहली होली वाले दिन दी आईया हुई ने गियाँ पर आया भी खराब ना हो जाए, वैसे फ्रिज जी सी तो आप गर्म कर लिया। पिंदर दे के दी मैं एक मैं खाऊंगी, एक पिंदर दे दें वह भी खा लूगा गर्म गर्म, तो देखो स्वाद लगती है, देखो बिल्कुल सॉफ्ट जी हो चुकी है गर्म करके, ये देखो 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 बिल्कुल गर्म होने करके वो भी हो रही है, ये पर भी लो जी तुम भी खा लो। वाओ बहुत टेस्टी लगे गर्म करके। लो जी कम धंधे आप कर ले सारे खत्म, खाना पीना खाने तो बाद कम धंधे खत्म करके मैं नहा के भी आ चुकी हाँ। तो की कहते हैं गे अलमारी जाती सी सैट कर, इन्हें ना भाई का फोन आ गया जेडे मैं स्टोरेज बैग मंगवाए ने, वो भाई का आ गया सी डिलीवरी बॉय का फोन, तो फिर मैं रुक गई मैं क्या चल आई जान दे है ना बैग वगैरह जेडे मंगवाए ने उन्होंने बच्चे ही सैट करके रखूँगी। तो उदू चलो जी फिर आप हूँ जो बैग आ गए थोड़े ना भी शेयर करा कि मंगवाए ने वधिया ने घटिया ने है ना जो भी होगा, चलो देखते हैं। हूँ भाई का फोन आया से वह कहना भी अद्धे घंटे के थोड़े को आ जाना, मैं चलो ठीक है फिर ही लगूंगी मैं अलमारी भी सैट करना, चलो वधिया हो गया है ना अज बैग भी आ जाएंगे तो अपने कपड़े भी जोड़े सामभ जाएंगे कुछ हद तक, चलो अज सामभ देंगे कुछ आप। एक दो दिन होर बैग ऑर्डर किए हुए जिमें भी देखती हूँ जो आ गए एक दो दिन आ जाएंगे है ना फिर उन्होंने वो कर लाँ, क्योंकि हमने बैग के ठीक आते हैं बैडा के भी जो बच्चे एक दो कपड़े कटते हैं शुरू से जब गर्मी शुरू होंगे या सर्दी शुरू होंगे ना तो पूरा खलारा पाँदे ने, कल देख लो कल कि मैं बहुत टाइम लगे है ना। तो चलो इस तरह करके फिर अपना लिख के ला देंगे उपर भी आह हाँ ये भाई कपड़े ने ये टी शर्ट ने ये शर्टा ने ये लोअर ने जो गर्म ये जैकेटा ने है ना सारा लिख के ला दूंगी उपर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं उ चक्न बैग खोलन। चलो जी हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं भाई आ जाते फिर मिलते हैं सुन दिखाने बैग। बैग आ गए स्टोरेज बैग जिहे जे मैं ऑर्डर किए सी उही जी आए ने, तो साइज बहुत वधिया मतलब जिड्डा साइज मैं देखा सी उड्डा ही साइज काफ़ी ये आ जाएंगे, ब्लैंकेट क्लॉथ स्टोरेज इस तरह करके नाम आ स्टोरेज बैग काफ़ी साइज बड़ा। सब तो वधिया गल ये आ ट्रांसपेरेंट जरा आह ना ये मतलब कि दिखूगा अपन भी कि कपड़े ने समान पाया हुआ ये सब तो वधिया है ना। बाकी तो आप जो भी चीज़ मंगाने देखो समाई दे होंगे है ना चाहे आप जिनी भी वधिया मंगा लीए पर समाई करके ही चीज़ रही है ना, जो आप समाई नहीं करा तो महंगी चीज़ भी फिर वह हो जाती है। ये मैं मिली ने देखो इस तरह आले दुआले जिप भी है देखो जिप जी बहुत खुले डुले ने तीन का सैट है ये तो मैं मिली ने 304 रुपए का, जानी कि 100 रुपए का ही ले लो भाई 300 ही लैके गया पूरा
ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਮੰਗਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ, ਸਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮੰਗਵਾ ਲਾ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਲੰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਕੱਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਬੈਗ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਗ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਵੱਖੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਧੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਬੈਗ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਘੰਟਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਈ ਸਿਲਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਦੱਬਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦਾਲਿਓ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਨੀਚੋਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿੱਪ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਬਦੀਆਂ ਸਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਉਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕਾਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉੰਨੀ ਕੁ ਤਹਿ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮਿਲ ਲਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਹਿਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੀ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੈਕਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੈਗ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਮੈਲੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਕੁ ਧੋਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਕਰਤੇ, ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੱਢਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲਮਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੀ ਸਾਫ਼। ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਛਾਉਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਿਆ ਏ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਸਾਫ਼। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੋ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਧੋਊਂਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਸਾਂਭ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੁੱਕਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ
लगे हुए काफी मोटे कपड़े ने जो पाए हुए ने आप कड लें दो शायद ये एक पेंट है गई एक है कोट ये भी है चलो जी हम आप चलते हैं तो पौने इन्हों सुकने फिर नाल नाल मैं खाना भी देखो बना हों ना तो बाकी सब्जी पई सी करके ही मैं शाम भी धोती मैं क्या सवेर तक समा समझ आएंगे लो जी इतने नैक्सट मॉर्निंग हो गई तो आ देखो इतने आ भी जी मेरी बास्केटा सी भी मैं सैट करती हैं तो आ जे मैं स्टोरेज आप बनाए से घर है ना उन्होंने मैं इस तरह कटता साइड तो कट के इस तरह शर्टा दे एक दे विच एक विच टी शर्टा रखती हैं इस तरह मैं वह बना लिया भी ये भी दिखना तो भी ये हूँ आप जी है ना चकने टी शर्ट इस तरह कट सकते हैं क्योंकि जो ये बंद से आले दुआले तो पता नहीं लगता सी नीचे वाली का बिल्कुल भी पता नहीं लगता शर्टा का है ना तो करके मैं इन्हों कट ला के इस तरह परे सैट करती हाँ मैं क्या भी चलो वह कर दी तो हूँ थोड़ा दिखाने आप फाइनल लुक फाइनल लुक की बस सैटिंग की जी थोड़ी जी पर थोड़ी जी उस नाल ही देखो है ना वधिया हो जाता रूप जहा चढ़ जाता हर एक चीज़ में कोई भी है चाहे तो बस इतने लग गई करते सारे पेंटा वगैरह सैट करते नीचे वाले लोर रखती इतने अपने मैं आ रखते सके अंदर ही मैं क्या भी चल अंदर रख दें गी जो भी अंडर गारमेंट से बाकी सारी अलमारी करती सैट एक बार हूँ सैट हो गई भी हूँ चल आप इन्ना हो नहीं होगा बस हुण इहदे विच थोड़ा जिहा आसान हो जू चकना तो उपर भी मैं काफ़ी जिहड़े मतलब कि नहीं कुछ पहनने वाले इस तरह के कपड़े ने वह रखे हुए नेगे तो आह देखो आ जिहड़े मैं बचालों कटते बहुत सोहने लगन लग गए तो इधर आ थोनों दिखाने जिहड़े बैग आपां पैक करते धो के चंगी तरह जिहड़े सीगे कोट कूट पाते तो इस वीडियो का आपां इत्थे एंड करदे जी मिलते हैं कल नूं वधिया ब्लॉग दे नाल जेकर मेरा वीडियो वधिया लगता तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर करके जाया करो तो इहदे विच हजे भी काफ़ी स्पेस आ ते नाले पूरे जिहड़े पैग इहदे विच कपड़े है ना थोड़े बहुत ही रहिंदे होणगे चलो कुछ कचीमे पैने सनी दे ने जिवें काफ़ी कपड़े चलो उत्थे भी होणगे पर मैनू ये भी चलो वधिया सांभ गई कपड़े हुण है ना चलो जी फिर अज्ज दे ब्लॉग दा आपां करदे आ एंड मिलदे आ कल नूं इक वधिया जी ब्लॉग दे नाल ते कल नूं अपने घर कोई खास मेहमान आ रहे ने उह तुहानूं अगले ब्लॉग दे विच दस्सांगे ते चलो जी फिर बाय बाय टेक केयर।